नमस्कार दोस्तों, आयकर संबंधी अपनी चर्चा की श्रृंखला में मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं, टैक्स ऑन डिविडेंड एंड बजट 2020। क्योंकि इस बजट 2020 में सर जो वर्तमान व्यवस्था है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड की, उसको चेंज किया जा रहा है और उसकी जगह वापस से पहले जो व्यवस्था कायम थी वो लागू की जाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू ये क्या व्यवस्था थी और क्या व्यवस्था होगी और उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उनका उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आपकी जानकारी में यह लाने के लिए, व्हाट वाज द प्रीवियस रिजीम, यानी अब तक क्या व्यवस्था चल रही थी। अब तक क्या था सर, एन इंडियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड वॉज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको मैंने शॉर्ट में DDT लिखा है सर, एट द रेट 15% एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हालांकि कुछ ग्रॉसअप का सिस्टम यहां पर लागू था जिसकी वजह से इफेक्टिव रेट 20% पड़ती थी। देयरफॉर टिल नाउ डिविडेंड रिसीव बाय अ शेयर होल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी वॉज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब्जेक्ट टू 115BB DA। क्या कहना चाहता हूं सर, अब तक जो व्यवस्था थी उसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड करते समय डिविडेंड पर टैक्स खुद से पे कर दी थी, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में रिस्पेक्टिव अमाउंट एग्जम्प्ट जाती थी। हालांकि फाइनेंस एक्ट 2016 यानी असेसमेंट ईयर 17-18 से व्यवस्था सरकार ने चेंज करी और यह कहा कि यदि किसी शेयर होल्डर को जो कि रेजिडेंट है और उसे साल में 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो 10 लाख से ऊपर के डिविडेंड पर उसको 10% रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू इट्स यूनिट होल्डर वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट 10% और 25% एट एप्लीकेबल रेट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयरफॉर टिल नाउ डिविडेंड रिसीव बाय द यूनिट होल्डर ऑफ म्यूचुअल फंड वॉज ऑल्सो एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी इन नटशेल मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि एक कंपनी या एक इंडियन म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय अपना टैक्स उस पर्टिकुलर डिविडेंड के ऊपर दे दिया करते थे तो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर के हाथ में इनकम टैक्स के पर्पजे से वो अमाउंट एग्जम जाती थी और ये हमारी वर्तमान व्यवस्था थी। अब नई व्यवस्था क्या आएगी वो आपसे डिस्कस करने आगे चलता हूं। व्यवस्था देखिए दोस्तों, व्हाट विल बी द न्यू रिजीम। Under new regime, liability of company and mutual fund to pay dividend distribution tax is now removed. यानी 1 अप्रैल 2020 onwards, अगर कोई कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उन्हें कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। Consequently, the shareholder or the unit holder will be taxable on the amount received. क्योंकि अब कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते समय टैक्स नहीं देंगे तो रिस्पेक्टिव अमाउंट रिसिपिएंट के हाथ में, यानी शेयर होल्डर के हाथ में या यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड की राशि टैक्सेबल हो जाएगी। और तीसरा, हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्सेशन ऑफ सच अमाउंट बाय डिफॉल्ट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड की राशि सर जो अब तक एग्जम थी, अब वो राशि यदि आपको प्राप्त होती है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप HUF हैं, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, वो आपकी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंदर टैक्सेबल आय बाय डिफॉल्ट मानी जाएगी। अब निश्चित रूप से सर इस वर्तमान व्यवस्था के परिवर्तित होकर के नई व्यवस्था आने से हमारे सामने प्रश्न आता है, वेदर इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट फॉर द शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के या किसी म्यूचुअल फंड हाउस के ऑलरेडी शेयर्स या यूनिट हैं और अब तक आपको जो डिविडेंड आता था वो एग्जम्प्ट होता था, अब जो डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो इससे क्या परिवर्तन आएगा, आपको क्या इससे बेनिफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन होगा। इट विल डिपेंड अपॉन, मेरी राय में सर ये डिपेंड, इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिस्पेक्टिव कंपनी या फंड हाउस ने डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं। क्योंकि सर यदि कोई कंपनी डिविडेंड बांटेगी नहीं, अपने पास प्रॉफिट इकट्ठा रखेगी, तो आपको किसी प्रकार से टैक्सेशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज योर स्लैब रेट, आप किस रेट में टैक्सेशन होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपकी आय 2.5 लाख से ऊपर परंतु 5 लाख के बीच में है तो आपको मात्र 5% टैक्स रेट लगती है, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच में है
तो पुराने सिस्टम में आपको 20% टैक्स रेट लग रही है, नए सिस्टम में 5 से 7.5 और 7.5 से 10 के अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। तो कहने का मतलब यह है सर, आपको यदि डिविडेंड आता है शेयर से या म्यूचुअल फंड से, आप इंडिविजुअल हैं, आप HUF हैं, तो आपकी वर्तमान स्लैब रेट क्या है और उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपका टैक्सेशन होगा। इसका मतलब यदि आपकी टैक्स रेट लोअर है तो पहले जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट व्यवस्था थी उसमें ऑन एन एवरेज 20% टैक्स लगता था, लेकिन अब अगर आपको लोअर इनकम स्लैब एप्लीकेबल होती है, लेसर इनकम स्लैब एप्लीकेबल होती है और आपको डिविडेंड मिल रहा है तो इफेक्टिवली आपकी रेट ऑफ टैक्स कम होगी। तो इसका मतलब ऐसे लोगों को यहां पर निश्चित रूप से फायदा होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटने से, जो कि लोअर टैक्स स्लैब रेट के अंदर कवर होते हैं, और जो हायर टैक्स स्लैब रेट के अंदर कवर्ड आते हैं सर, उनको इस पर्टिकुलर व्यवस्था में परिवर्तन होने से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एंड इफ द कंपनी इज रिसीविंग डिविडेंड, ये कंपनियों से रिलेवेंट एक बात है कि यदि कंपनी को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो यह प्रस्तावित है कि वो कंपनी जो दूसरी कंपनी से डिविडेंड लेती है उसको सेक्शन 80M के अनुसार इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरा कहना पुनः यह है सर कि यह डिपेंड करेगा रिसिपिएंट पर कि वो किस रेट में टैक्सेबल होता है बाय डिफॉल्ट, कि उसको इस व्यवस्था के परिवर्तन से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो अब देखिए दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनीज और नॉट। हो सकता है आपकी स्वयं की एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में अपनी व्यवस्था को जानना चाहे, तो यहां मैं वो उत्तर देना चाह रहा हूं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020, a company distributing, declaring, paying dividend will not be required to pay dividend distribution tax. यानी कंपनी को आप कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना। तो कंपनी की 115O की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, टैक्स पेमेंट रिक्वायरमेंट यहां खत्म हो जाती है। दिस विल एंश्योर हायर कैश फ्लो अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो कंपनी अब तक सर अपने कैश के अंदर, कैश फ्लो में व्यवस्था करती थी कि अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इतना देना है, बाकी डिविडेंड बांटना है। अब जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटेगा तो कंपनियों के पास में कैश सरप्लस बढ़ेगा इसकी वजह से, जो डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए ज्यादा है। तो कंपनी सर उस पर्टिकुलर कैश का प्रयोग अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को बढ़ाने में कर सकती है। तीसरी बात, However, TDS compliance for number of shareholders shall increase accordingly. अब ये एक माथापोड़ी companies के लिए शुरू होगी कि अब तक dividend distribution tax one time compliance थी, या मैं ज्यादा ज्यादा बोलूं तो interim dividend पर dividend distribution tax compliance करिए, final dividend पर करिए। अब तो सर आप जब dividend बांटेंगे तो आपको number of pays के लिए TDS compliance करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे shareholders भी हो सकते हैं सर जिनका पैन ही उपलब्ध नहीं हो, किसी वजह से पुराने shareholder हैं, पेपर फॉर्मेट में होल्ड किए हैं, तो वहां सर 20% रेट पर भी टीडीएस कंपनी को काटना पड़ सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, कंपनीज रिसीविंग डिविडेंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे मैट ऑन सच डिविडेंड इनकम। यानी अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो चाहे नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन में कंपनी को सेक्शन 80M का डिडक्शन मिलेगा, पर अगर कंपनी मैट के अंदर कवर्ड होती है तो कंपनी को ऐसी डिविडेंड इनकम पर अब मेरी ओपिनियन में मैट लायबिलिटी तो पे करनी ही पड़ेगी। यहां देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ में रिस्पेक्टिव टीडीएस कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने जा रहा हूं कि रिलेवेंट सेक्शन जो सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो एक प्रकार से पुनः जीवित हो जाएगा और उस सेक्शन के अनुसार टीडीएस की रेट 10% होगी। यानी एक कंपनी जब डिविडेंड बांटेगी तो अपने शेयरहोल्डर से 10% की रेट पर सेक्शन 194 में टीडीएस काट करके रिलेवेंट पर्सन को भुगतान करेगी। नो टीडीएस इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय वे ऑफ एनी अदर मोड अदर देन कैश एंड एग्रीगेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू अ पर्सन डज नॉट एक्सीड 5,000। यानी जहां पर कंपनियां 5,000 रुपए तक का डिविडेंड दे रही हैं एक साल में किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, तो कंपनी अगर कैश के अलावा किसी और मोड से डिविडेंड बांट रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जनरली बांट रही है, चेक से बांट रही है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी कोई टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है। हाउएवर रिसीपिएंट में प्रोवाइड डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15G 15H। मान लीजिए आपको 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है
और आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस न कटे, तो एज एन इंडिविजुअल आप कंपनी को 15G 15H दे सकते हैं और उस परिस्थिति में कंपनी आपका टीडीएस नहीं काटेगी। इवन अ लो रेट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी गिवन बाय द रिसिपिएंट टू द कंपनी और म्यूचुअल फंड। यानी अगर आपको लगता है कि साहब मेरे ऊपर लोअर रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए डिविडेंड की टीडीएस की 10% की जगह, तो आप एओ के पास एक सर्टिफिकेट लेने जाइए, आवेदन करिए। अगर एओ आपको लोअर रेट का सर्टिफिकेट देता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर कंपनी कम रेट से टीडीएस काटेगी। एंड लास्ट सेक्शन 194 के ऑल्सो इंसर्टेड फॉर टीडीएस बाय म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैंने अब तक जो चर्चा करी 194 वो कंपनियों के लिए लागू है, तो म्यूचुअल फंड हाउस जब डिविडेंड बांटेगा तो उसे सेक्शन 194K में टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और यहां पर भी सर अगर वो 5,000 रुपए तक का डिविडेंड दे रहा है म्यूचुअल फंड हाउस, तो ऐसी परिस्थिति में उसको भी टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, प्रोवाइडेड जो भी भुगतान है वो कैश के अलावा किसी दूसरे मोड से किया जा रहा हो। यहां पर सर मैं आपके साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसी परिवर्तित व्यवस्था से संबंधित है वो डील करने जा रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है, कैन डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बी क्लेम फ्रॉम डिविडेंड इनकम। मान लीजिए मेरी डिविडेंड इनकम है 5 लाख और मैं कहता हूं सर ये 5 लाख की डिविडेंड इनकम इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया, तो मैं ब्याज दे रहा हूं, क्या वो ब्याज का मेरे को डिडक्शन डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट मिल जाएगा? मेरी ओपिनियन में सर यदि आपने पैसा उधार लेकर के किसी प्रकार से शेयर्स खरीदे और वहां ब्याज का भुगतान कर रहे हैं और दूसरी ओर डिविडेंड की आय आ रही है, तो आपको ऐसे ब्याज की राशि का डिडक्शन इस डिविडेंड इनकम से निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, कैन लॉसेस बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच इनकम। क्या आप डिविडेंड की इनकम से कोई दूसरे हेड के लॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप बिजनेस प्रोफेशन की लॉसेस, आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस डिविडेंड की इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे। कैन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से भी क्लेम्ड अगेंस्ट सच इनकम। मान लीजिए अदर सोर्स की इनकम के रूप में डिविडेंड की आय मेरी आय में जुड़ जाती है और मैं कहता हूं नहीं सर मैंने एटीसी में एलआईसी खरीद ली, एलआईसी का कंट्रीब्यूशन कर लिया, तो क्या मैं उसका पर्टिकुलर डिडक्शन इस इनकम के अगेंस्ट ले सकता हूं? 100% ले सकते हैं सर। विल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेनिफिट बी अवेलेबल ऑन सच इनकम? निश्चित रूप से सर। पहली बात, यहां पर कोई सीमा नहीं है कि इतने तक की डिविडेंड इनकम आपकी एग्जम्प्ट है, इतने तक टैक्सेबल है। आप यदि इंडिविजुअल एचएफ हैं और आपको टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा रही, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी डिविडेंड की इनकम के अगेंस्ट में मिलेगा। कैन अ नॉन रेजिडेंट ऑल्सो क्लेम बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट डिविडेंड इनकम? यस सर, मेरी ओपिनियन में एक नॉन रेजिडेंट को भी डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलना चाहिए। ग्रोथ ऑप्शन वर्सेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन इन द केस ऑफ यूनिट होल्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, क्योंकि जब यूनिट होल्डर यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहता है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन लेना चाहता है। तो मैं ये कह सकता हूं सर, ये पूर्णतया आप पर डिपेंड करेगा। यदि आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन लीजिए, फिर आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आता रहेगा और साथ के साथ उस पर जो भी आपकी स्लैब रेट है उससे डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कैपिटल बिल्टअप करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन की जगह ग्रोथ ऑप्शन लीजिए, तो आपको इन द मीनवाइल पीरियड जब वो यूनिट पर कभी कभी म्यूचुअल फंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन वालों को तो डिविडेंड दे रहा होगा और आपको डिविडेंड ना दे करके आपकी वैल्यू अलग तरीके से बढ़ाई जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैपिटल बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ प्रश्न लगे सर जो मैंने आपके साथ में यहां पर डिस्कस किए। मैं हमेशा की भांति आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यदि डिविडेंड से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आए उसके टैक्सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे सुनते रहने के लिए, प्रोत्साहित करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।